हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिक तंबोल और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी चैनल किचन्स प्लेनेट में। आज मैं अगेन मेरे प्रिय सिटी राजकोट शहर में हूँ और यहाँ स्काई गार्डन में हम लोग ने हमारे जो यहाँ फ्लैट के ओनर है, हमारे क्लाइंट है मिस्टर बद्रेश भाई कपासी, उनका एक किचन तैयार किया हुआ है। किचन आइलैंड टाइप ब्रेकफास्ट है और सामने आप देख सकते हो कि स्टेप किचन है, राइट। ये किचन की खासियत ये है कि यहाँ 3mm एक्रेलिक हम लोग ने यूज किया हुआ है और हम लोग ने यहाँ सिर्फ शटर दिए हुए हैं। 3mm एक्रेलिक में इंक्लाइंड हैंडल है, वो भी एक्रेलिक में दिया गया है। तो आओ हम आपको नजदीक से दिखाते हैं कि किचन पूरा किस तरह से तैयार किया गया है। ये पूरा आप देख सकते हो कि स्ट्रेट किचन इसे कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रेट किचन है। आप देख सकते हो कि डार्क ग्रे कलर का यहाँ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जो प्लेटफॉर्म यहाँ है वही चीज यहाँ ऊपर चढ़ाई दी गई है, राइट। इससे कॉम्बिनेशन अच्छा दिख रहा है किचन का। चिमनी है वो यहाँ स्क्वायर है, केरिसिल कंपनी की दी गई है और हब है वो फ्री स्टैंडिंग है, यहाँ प्रेस्टीज कंपनी का है। तो एक स्ट्रेट किचन में आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हो कि यहाँ नियर अबाउट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ 10 ड्रॉवर्स हम लोग ने दिए है और बाकी सब शटर से वो ओपनेबल शटर यहाँ है। तो वन बाय वन यहाँ से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से किचन लिया गया है। दीज ओपनेबल शटर, सिंपल शटर विद सेल्फ इसे कहा जाता है कि सॉफ्ट क्लोज हिंजेस पे हम लोग ने दिया है। अगर आप दूर से इसे छोड़ोगे तो भी ये आराम से दरवाजे बंद हो सकता है। उसके बाद यहाँ थ्री यहाँ सॉफ्ट क्लोज चैनल हम लोग ने दी है, राइट। टेंडम पोड्रो ऐसा अलग अलग नाम है लेकिन सॉफ्ट क्लोज चैनल आप कह सकते हो। 40 kg कैपेसिटी है, अगर आप दूर से आराम से इसको बंद करोगे तो भी दरवाजा आराम से बंद हो जाएगा। यहाँ हैंडललेस कंसेप्ट है, इंक्लाइन हैंडल दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ ये हैंडल है वो शटर में अंदर ही हम लोग ने दिए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी हैंडल हम लोग ने नहीं दिए हैं। अच्छी तरह से क्लाइंट ने यहाँ स्टोरेज करके रखा हुआ है डोर्स में, आप देख सकते हो। यहाँ हैंडल आप देखिए, ये पूरा एल शेप है और 3mm थिकनेस है यहाँ शटर की, राइट। हैंडल यहाँ अंदर ही आ जाता है इसमें। अगेन यहाँ भी हम लोग ने एक सॉफ्ट क्लोज चैनल यहाँ दी है, राइट। 40 kg कैपेसिटी, यहाँ दो ड्रोवर्स, अगेन दो ड्रोवर्स इस तरह से बड़े बड़े ड्रोवर्स है। यहाँ आप देख सकते हो कि थाली स्टैंड दिया हुआ है कि अगर आपकी थाली की हाइट 14 से 15 इंच है तो भी यहाँ आराम से आप रख सकते हो, इसलिए यहाँ दो पार्ट में चलने से वो डिवाइड कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद अगेन यहाँ 3 drawers, बाजू में ओपनेबल शटर्स है, राइट। ये ओपनेबल शटर विद सेल्फ है, सिंक के नीचे भी हम लोग ने सेल्फ के साथ स्टोरेज दिया है। उसके बाद आप एक ऊपर देख सकते हो कि जो भी शटर आप देख रहे हो सब ओपनेबल शटर है विद सेल्फ, राइट। कि सिंपल ऐसे आप राइट एंड लेफ्ट साइड शटर्स अपने खोल के देख सकते हो इस तरह से। अंदर क्लाइंट ने अच्छी तरह से क्रोकरी है जो अपनी सजाई हुई है, सेम चीज यहाँ पूरे दरवाजे है वो सब एक्रेलिक फिनिश में है और सब ओपनेबल हम लोग ने दिए हैं। और दोस्तों ये सेकंड पार्ट है हमारे मॉड्यूलर किचन का, यानी कि ये किचन में जो साइड में आप देख सकते हो कि एक सर्विस प्लेटफॉर्म दिया गया है, राइट। जहाँ पे क्लाइंट ने अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑन वगैरह अच्छी तरह से रखे हुए हैं एज अ साइड टेबल सर्विस प्लेटफॉर्म। ये किचन में ये प्लेटफॉर्म काफी अच्छा यूजफुल है। यहाँ आप देख सकते हो कि 4 ओपनेबल शटर हम लोग ने दिए है, 2 ड्रॉवर है और नीचे अगेन 2 छोटे से ओपनेबल शटर है। इसमें काफी अच्छी तरह से वेल प्लान किया हुआ किचन है, आप देख सकते हो। मैं दिखा सकता हूँ कि ये हम लोग ने किस लिए किया है कि ऊपर सिंपल सेल्फ है, नीचे ओटली या लेग या स्कर्टिंग ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि जिससे करके बड़े जो हाइट वाले वेसल्स है वो क्लाइंट अपने अच्छी तरह से रख सके। सेम चीज यहाँ बाजू में आप देख सकते हो, 2 ओपनेबल शटर और नीचे हम लोग ने यहाँ ग्रेन ट्रोली दी है, राइट। कि आप देख सकते हो कि यहाँ आपकी ग्रेन्स की कुछ भी ट्रोली आप अच्छी तरह से रख सकते हो, वो नीचे कास्टर ग्रिल से अगर आप खींचोगे तो ये ट्रोली बाहर आएगी, उस तरह से प्लानिंग है यहाँ। सेम चीज यहाँ है कि समझो ओवन वगैरह कुछ भी रखा है तो ऊपर हम लोग ने ड्रोवर दिया है। ये टेलीस्कोपिक चैनल पे है, ये टेंडम चैनल नहीं है यहाँ पे, राइट। क्योंकि उस तरह से इनका यूज था इसलिए ये सिंपल दोनों ड्रोवर है यहाँ, आप देख सकते हो। और नीचे अगेन 2 ओपनेबल शटर हम लोग ने दिए है कि वहां भी ग्रेन ट्रोली और ऐसा लेमन का कुछ भी जूस वगैरह रख सकते हो जो चीज हाइट वाली वहां है। तो ये पूरा सर्विस प्लेटफॉर्म इस तरह से था और ये आप पूरा देख सकते हो कि यहाँ आइलैंड है, राइट। आइलैंड है लेकिन यहाँ हम लोग ने बीच में चिमनी हब नहीं दिया है। चिमनी हब एक्चुअली स्ट्रेट किचन में था, एज अ ब्रेकफास्ट टेबल आप इसको यूज करते हो और एज अ स्टोरेज के हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हो। काफी अच्छी तरह से यहाँ इंजीनियर साहब ने भी यहाँ अच्छी लाइटिंग वगैरह दी है और डिजाइन भी फेब्रिकेशन पे अच्छी बनाई है। दिस इज अ ब्रेकफास्ट टेबल नियर अबाउट 5 से 6 फीट के बीच में है, राइट। और यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट 3 फीट प्लस 3.5 फीट के आसपास यहाँ डेप्थ दी गई है
जो अच्छी तरह से यहाँ यूज किया जा सकता है। आगे के पार्ट में हम लोग ने यहाँ तीन ड्रॉवर दिए हैं और नीचे तीन ओपनेबल शटर दिए हैं। सिंपल यहाँ भी एक आप देख सकते हो ये तीन ओपनेबल शटर है और साइड में है यहाँ जो दो ओपनेबल शटर है। यहाँ भी साइड पैनल जो एक्सपोज कहा जाता है टेक्निकली हमारे लैंग्वेज में, अच्छी तरह से यहाँ भी स्टोरेज हम लोग ने दिया गया है। एमपीएस साहब ने काफी अच्छा प्लान किया है और हमने उस हिसाब से बनाया है कि आप आइलैंड के साइड के पार्ट में भी अच्छी तरह से स्टोरेज वगैरह वो कुछ भी चीज आप यहाँ चीज रख सकते हो। तो ये पूरा हम लोग ने आपको आइलैंड दिखाया राइट। अब सामने के पार्ट में हम लोग जाएंगे, यहाँ फ्री स्टैंडिंग फ्रिज एक्चुअली आप देख सकते हो कि नियर अबाउट 3.5 फीट के आसपास और 6.5 फीट की हाइट है। सैमसंग कंपनी का फ्रिज है जो क्लाइंट ने लिया है अपनी ओर से। और यहाँ अगेन आप देख सकते हो कि ऊपर जो कुछ भी है वो जैक है, गैस पंप हम लोग ने दिए है फ्रेमिंग में। और यहाँ ओपनेबल शटर विद सेल्फ के कुछ भी एक्स्ट्रा स्टोरेज बड़ी चीजें है, क्लाइंट इसमें अच्छी तरह से रख सकते हैं। ये बड़े बड़े सेल्फ है राइट, काफी अच्छी भी थे और अच्छी तरह से पूरा स्पेस का यहाँ क्लाइंट ने यूज किया है राइट। अंदर हम लोग एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बड़े डोर यूनिट रहते हैं उसमें हम लोग ऐसे स्ट्रेटनर डालते हैं। स्ट्रेटनर का बेनिफिट ये है कि सीजन में यहाँ आगे जाके भी आपके दरवाजे वो बैंड नहीं होंगे। काफी किचन वाले ऐसे ही दरवाजे दे देते हैं लेकिन हम लोग यहाँ स्ट्रेटनर डाल के देते हैं क्लाइंट को ताकि उसको आगे जाके कुछ भी दिक्कत ना हो। एक छोटा सा पार्ट नियर अबाउट 1 फीट के आसपास आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग ने यहाँ अच्छी तरह से बनाया है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ये इस तरह से पूरा 180 डिग्री आप देख सकते हो खोल सकता है। यहाँ साइड्स में सी अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हो, आपकी कुछ भी बोतल स्क्रीन वगैरह अच्छी तरह से क्लाइंट ने यहाँ डेकोरेट करके रखी है और एक एक चीज की यहाँ छोटी से छोटी चीज यहाँ ध्यान में रखी है और अच्छी तरह से हम लोग ने उसको बना के दिया है। ये पूरा दरवाजा अपने आप एक साथ में ओपन हो रहा है राइट। तो इस तरह से यहाँ का स्टोरेज है। तो ये पूरा किचन हम लोग ने आपको दिखाया राइट, दिस आइलैंड किचन। यहाँ भी साइड में भी हम लोग ने स्टोरेज दिया है जिस तरह से वह राइट साइड में था, यहाँ भी लेफ्ट साइड में हम लोग ने यहाँ स्टोरेज दिया है। सो दिस इज आइलैंड किचन, आइलैंड ब्रेकफास्ट। सामने स्ट्रेट किचन है, वहां अच्छी तरह से आप लोग ने देखा कि मैंने आपको दिखाया। अगेन मैं आपको फटाफट रिपीट कर देता हूं कि ये पूरा किचन एक्रेलिक 3mm में है विद इंक्लाइंड हैंडल और जो कुछ भी चीजें यहाँ अच्छी तरह से हम लोग ने डेकोरेट करके दी है। तो अगर आपको मॉड्यूलर किचन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9712439111। मैं आशिक राजकोट से, मेरे चैनल का नाम किचन स्पेनेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको भी किचन बनाना है उसके साथ आप शेयर कर सकते हो। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।